मेरे इस चैनल पे अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ 7 days में डिफरेंट डिफरेंट बुफे। तो आज है हमारा day 1। तो day 1 बुफे में मैं आ गई हूँ क्राउन प्लाजा होटल में, जो कि न्यू दिल्ली ओखला में है। और जल्दी से ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, और ब्लॉग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे। तो जल्दी से ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स गो। तो गाइज, स्टार्टिंग में बाहुबली जी के हो गए हमारे दर्शन, क्योंकि यहाँ पे साउथ इंडियन थीम थी तो साउथ इंडियन एक्टर्स के भी कटआउट्स थे। और अमेजिंग बात सबसे ज़्यादा ये थी कि यहाँ पे इतने ज़्यादा कलरफुल फ्लावर्स की डेकोरेशन थी ना, बहुत ही मस्त लग रही थी, वाइब आ रही थी ब्रेकफास्ट की प्रॉपर वाली। तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट स्टार्ट हो जाता है, जिसके अंदर हमारे पास स्टार्टिंग में कॉर्नफ्लेक्स भी थे, चोकोस भी थे, और यहाँ पर आ जाती हैं योगर्ट्स आ जाते हैं, और उसके साथ मिल्क थे, शेक्स थे, स्ट्रॉबेरी शेक, चॉकलेट शेक, कोल्ड कॉफ़ी, सब कुछ अवेलेबल था यहाँ पर। एंड देन उसके बाद यहाँ पे इन्होंने चीज़ के ऑप्शन रखे हुए हैं, और ये है फ्रेश ब्रेड जो इसे हम स्लाइस करके भी ले सकते हैं, और स्लाइस ब्रेड जो नॉर्मल ब्राउन ब्रेड है वो भी अवेलेबल थी, साथ में था टोस्टर। और उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं ओट्स मफिन, डोनट्स, और उसके साथ साथ यहाँ पे ये थी जैगरी ब्रेड, और भाई ये बहुत ही ज़्यादा ऑसम थी, मैंने ट्राई करके देखी थी। और उसके साथ यहाँ पे फ्रेश पैनकेक और वफल बन रहे थे, यहाँ पे इन्होंने बना के भी रखे हुए हैं, बट अगर आपको फ्रेश ऑन द स्पॉट बनवाने हैं तो वहाँ पे शेफ अवेलेबल थे, वो आपको बना के दे देंगे। और उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारी वैरायटी हमें मिल जाती है, यहाँ पे डैनिश भी थे, इतने यमी थे ना सीरियसली, और साथ में सारी सॉसेस भी, और चॉकलेट सिरप, मेपल सिरप, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। एंड देन उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं हमारे एक और एक्टर के दर्शन हो जाते हैं, जो कि साउथ इंडियन ही हैं, और यहाँ पर हमारा है फ्रेश जूसेस, सारे फ्रेश जूसेज अवेलेबल थे, और एक और सिटिंग एरिया है, बट अभी रश इतना ज़्यादा था नहीं तो यहाँ पर थोड़ा सा खाली था। ये है सैलड के सारे आइटम, कॉर्न्स वगैरह हैं,
हैं, यहाँ पे जैम वगैरह, सैलड और सॉसेस वगैरह भी पड़ी थी, सैंडविचेस आ जाते हैं, और उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं गुलाब जामुन एंड देन छोले। छोले के साथ कुलचे थे, पूरी भाजी और भटूरे का ऑप्शन नहीं था, कुलचे थे और उसके साथ में थे पराठे। पराठे आप कर्ड के साथ भी ले सकते हैं, छोले के साथ भी ले सकते हैं, तो पराठों का ऑप्शन था। साथ में आ जाता है साउथ इंडियन में वड़ा, और वड़े के साथ आता है उपमा, उपमा के साथ थी इडली, प्लेन इडली थी। यहाँ पे सिर्फ एक ही इडली का ऑप्शन था, प्लेन इडली का। देन सांभर, सांभर के साथ उन्होंने काफ़ी टाइप की यहाँ पे चटनीज, और मतलब पूरा सेटअप साउथ इंडियन का जो था ना, उसमें कोई कमी नहीं थी कि यहाँ पे कोई तुम्हें कमी पेशी मिलेगी, तो पूरा मद्रास जंक्शन रेडी था यहाँ पे। एंड देन उसके बाद यहाँ पे आ जाता है, ये था इंदौरी चिवड़ा, जो नमकीन होती है पोहे वाली, बेसिकली ये वही थी। और उसके साथ यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं पिकल्स, और ये है दो टाइप के सूप थे, सूप हमने ट्राई नहीं किया वहाँ पे, और ये रॉ बनाना की डेकोरेशन के साथ, डेकोरेशन वॉज वेरी अमेजिंग, मुझे तो बहुत ही पसंद आई डेकोरेशन। और उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं नूडल्स, नूडल्स के साथ साथ सिरका, सोया सॉस, जो भी आपको अपने अकॉर्डिंगली डालना है डाल सकते हो। एग्स थे जो कि ऑर्डर पे, ऑमलेट वगैरह आपके टेबल पे आ जाएंगे अगर आप ऑमलेट ऑर्डर करते हैं तो। चिकन सॉसेस थी उसके साथ, बॉयल्ड एग हैं, एंड देन यहाँ पे आ जाती हैं स्टीम वेजिटेबल्स, सौते वेजिटेबल, और ये थोड़ा सा ये क्या था, ये लैम्प था यहाँ पे, जो नॉन वेज खाते हैं उनके लिए भी ऑप्शन थे। और यहाँ पे थी बीन्स, एंड देन स्क्रैम्बल्ड एग कभी ख़त्म हो गया था तो वो बना रहे थे स्क्रैम्बल्ड एग, तो बाद में रिफ़िल कर दिया था। और यहाँ पे है एक ग्रिल्ड चिकन, जो नॉनवेज वाले हैं उनके लिए भी काफ़ी ऑप्शंस थे। तो ये आ गया हमारा टी स्टॉल, यहाँ पे मसाला टी, नॉर्मल टी, जिंजर टी, जो भी आप ऑर्डर करेंगे वो आपको बना के देंगे। उसके साथ ये मटर और फैन वगैरह, मट्ठी वगैरह सब कुछ अवेलेबल थी। और ये आ गया हमारा फ्रूट काउंटर। तो गाइस चलते हैं अपनी टेबल पे, बच्चों ने अपना ब्रेकफास्ट कर दिया है ऑलरेडी। स्टार्टिंग से ये सब हाँ गुड, बस आते कुछ खाना तो खा लो, ये लो डाल दो इसमें। तो गाइस सबसे पहले मैंने अपनी प्लेट में लिया साउथ इंडियन, क्योंकि मुझे साउथ इंडियन हर जगह का अच्छा नहीं लगता, तो मैं यहाँ का टेस्ट करना चाहती थी, तो मैंने सबसे पहले साउथ इंडियन की प्लेट बनाई। अभी टेस्ट करके बताते हैं कैसा है। सच में साउथ इंडियन बहुत ही अमेजिंग था। मुझे ना हर जगह का सांभर जो है वो पसंद नहीं आता, और यहाँ का सांभर मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया और इतना मस्त था ना, सच्ची बता रही हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट था। इडली भी अच्छी थी और चटनियाँ भी बहुत ही अमेजिंग थी। तो गाइज उसके बाद मैंने ऑर्डर कर दिया था वेज ऑमलेट, और ऑमलेट के बगैर तो भाई मेरा ब्रेकफास्ट नहीं होता किसी भी बुफे में। तो यहाँ पे हमने मंगाया था ऑमलेट, नॉन स्पाइसी था, मतलब काफ़ी अच्छा टेस्ट था इसका, और बच्चों को भी काफ़ी अच्छा लगा बुफे यहाँ का। और लास्ट में मैंने अपनी एक और प्लेट सेट कर ली थी, जिसके अंदर था पैनकेक, ब्लूबेरी डेनिश, पाइनएप्पल डेनिश और जैगरी ब्रेड, और उसके साथ मैंने इंजॉय की कॉफ़ी। भाई ये तो लास्ट में होता ही होता है ना। तो गाइस फाइनली हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है। भाई ब्रेकफास्ट सच में बहुत ही ऑसम था, हर एक चीज़ बहुत ही अभी थी, काफ़ी अच्छा था। और ये जो हमने ब्रेकफास्ट यहाँ से हमने जो बुक किया है ब्रेकफास्ट, वो हमने किया था नियर बाय ऐप से, काफ़ी अच्छे डिस्काउंट मिल गए थे, तो उसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और उसके साथ साथ जो बुफे के प्राइजेज हैं वो साथ यहाँ पे सब मेंशन कर दिया है मैंने, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप लोग यहाँ पे बुफे का बुफे को इंजॉय करना आना चाहते हैं, तो इसकी जो लोकेशन वगैरह है सब कुछ डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी है, तो आप लोग आ सकते हैं। तो आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय, टेक केयर, जय माता दी, अपना बच्चों का ध्यान रखिएगा, बाय।